तर अराउंड 2:30 अचानक एक दिवशी रात्री बेल वाजली आणि ते क्लिनिंग वाले आलेले. अपॅरेंटली दॅट्स नॉट द नॉर्मल टायमिंग जेव्हा क्लिनिंग होते. दॅट्स वाय माझी मॉम थोडीशी टेन्शन मध्ये येऊन त्यांनी गीता मॅमला कंप्लेन केलेली याबद्दल. सो फॉर्च्युनेटली वी वर लकी दॅट गीता मॅम खूप अटेंटिव्ह होते आणि त्यांनी ह्याच्याबद्दल ऍक्शन ताबडतोब घेतली. त्याने आपको बता दू ये घटना हुई उसके पहले एक डेढ़ महीने पहले उन्होंने ऐसे ही अटेम्प्ट करने का प्रयत्न किया था. एक यंग लड़की ने मुझे रात को फ़ोन किया कि 2 बजे सैनिक सिक्योरिटी वाला मेरा दरवाज़ा खटका के मुझे बोलता है कि आपका रूम सफाई करना है रात को 2 बजे. मैंने ये कमिश्नर से बात की, मैं आपको उसका वीडियो भी भेज सकती हूँ. ये कमिश्नर से बात की मैंने तो कमिश्नर जी ने दूसरे दिन कहा कि देखिए शायद उनको ये मामला कहीं बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देना था ताकि लोग डरे ना क्वारंटाइन में जाने के लिए. तो उन्होंने कहा वो गलती से उसने खटकाया था, उसने माफ़ी मांग ली है. दूसरा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था क्योंकि उसने खटकाया वैसे ही मम्मी लड़की बाहर आ गई थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स के दरवाजे खटकाए. तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी घटना होते होते टल गई थी. लेकिन ये अटेम्प्ट मैं आज जब इस घटना के साथ कंपेयर करती हूँ तो ये लगता है कि उस समय भी अगर लड़की जागरूक नहीं होती तो ये अटेम्प्ट तब भी हो गया होता. मैंने कल आते ही सबसे पहला काम ये किया कि मैंने कमिश्नर जी को ये निवेदन दिया कि आप 11 साल से सिर्फ मुद्दतवाड़ पर चलने वाले हमारे सैनिक सिक्योरिटी के ठेकेदार पे भी कार्रवाई कीजिए. हम SBG से अगर गार्ड्स मंगाते हैं, हमें शासन देती है थाना SBC से हम गार्ड मंगा सकते हैं. और मैंने ये लिखा है मेरे पत्र में कि वहीं से मंगाइए क्योंकि वहाँ हर एक गार्ड का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके वेयर अबाउट्स सब होते हैं. सैनिक सिक्योरिटी ने हमें कोई भी गार्ड का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता कि अभी तक दिया है. और ये इनकी मुदत कब से ख़त्म हुई है, तब से ये मुद्दतवाड़ पे चल रहे हैं. और सबसे पहले हमें ठेके पे सुरक्षा कर्मी लाने की ज़रूरत नहीं है जब शासन हमें दे रहे हैं, राइट. तो ये बात मैंने लिख दी है उनको, तुरंत ब्लैकलिस्ट करके मैंने लिखा है कि तुरंत ब्लैकलिस्ट कीजिए. और उस बंदे को तो पकड़ा गया है, उस पर तो जो कार्रवाई होनी है वो पुलिस करेगी, लेकिन हम अपने ठेकेदार पे कानूनन जितना कड़क कार्रवाई कर सकते उतना जरूर करना चाहिए. मैम आपको रोकना चाहूंगा. मैं दोस्तों देखिए, मैंने आशंका जताई थी और भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह की घटना शायद हुई होगी या हो सकती है या छेड़छाड़ की हुई होगी. आज शहर की MLA आमदार अगर ऐसा कह रही हैं कि इनको इस तरह की एक घटना की जानकारी मिली थी जिसके लिए, जिसके खिलाफ उन्होंने एक्शन भी उठाया था कि एक लड़की का दरवाज़ा 2 बजे रात में सिक्योरिटी के लोग खटखटाते, 2 बजे रात में साफ सफाई करने के लिए, वो मामला कहीं ना कहीं वो लड़की जो है एकदम एक्टिव थी, उस पर दबाव नहीं बना पाया और वो अपने पेरेंट्स वगैरह को बोल करके ये सारा मामला सामने आया. लेकिन ये मामला गीता जैन जी के पास आया, इन्होंने कमिश्नर जी से भी बात की और उस पर फिर क्या कहा गया कि ठीक है उसने गलती से कर दिया था, माफ़ी मांग लिया था, ये सारा चीज़.